बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज दी नवी वीडियो नाला दे राज कराची मंडी है, गड्डी लोड कोई नहीं हुई। एक माल निकले हाँ सही, टमाटर हैं पेशावर दे, खाली एक स्टाप आ, लेकिन वो साढ़े नसीबा च कोई ना, वो माल वध गया, वड्डी गड्डी ला ली। आज सारा दिन वेल है, आमिर भाई भी आंदा पिया पिछा, लेकिन उन्होंने भी उन्हें राबता किया, उन्हें आख्या भी तू ना कल तेरी गड्डी खाली आनी, आराम सुकून ना ला जाए। मैंने एक बंदे की कॉल की इतने है, एक यूनियन है को ट्रांसपोर्ट की, तो भाई नजीब उल्ला साहब ने उन्होंने मैंने फोन किया भी करी ना, होर ही साढ़े दफ्तर जा पता नहीं हो गई आदि कासिम साहब इधे की होया वहाँ मेरे पता नहीं वेला होया कोई नहीं होया। इत एक साडा बंदा आया, क्यों भाई बंदा एक साडा आया शेप कराने, कासिम वदा है, कासिम वदा है। चलो चाबी मैं दी जा, मैं इधर जाऊँ एक करिए नजीब उल्ले सद्या मैं, बड़ा स्टार्ट ही करनी पै जाती है, तां गड्डी स्टार्ट ही करनी पै जाती है, तां गुड्स ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन है, उन्होंने जो सदर है भाई नजीब उल्ला साहब, वो मैंने एक बार रात भी मिले जाते पे गड्डी रोक ली, आने गड्डी रोक के तो मैं डक के मिले रात में, हूँ वह फोन आया अद्धा भी यार तू कराची आना तो साढ़े हल क्यों नहीं आता, मैं यार एवं टाइम नहीं लगता जिन्हें एक करी ना जल्दी जल्दी आ बी हूँ, वह की आता जानता पाया जाके उन्हें आंधी सुनना बी वो की आखना चाहता दस्तर ना इतना थोड़ा जहा भाद है, कोई तुरना पाँगा थोड़ा जहा सफर है, मतलब मंडी के गेटा के कोल जाना उत्थे उन्होंने सुनने वे सीधा गेट अल रोड जाना पे वो जी थोड़ी असं लोड करके गड्डी निकलते हैं या वड़ते हैं, आप एक बिच शॉर्टकट मारना बिच शॉर्टकट असं मारना है, घर डी थोड़ी जी निका जहा बूह बने उतो इंशाला दबके बच्चे उदू मुड़ भात थोड़ा हो सी जे अगर सीधे सीधे रोड से जा भी मुड़ उदू बुला के आना पाँगा उदू सफर देर पै जाता, आप शॉर्टकट मरने पता नहीं हूँ वो नजीब उल्ला साहब आता की ये मैं तो मैं कहीं पर लगती जी शॉर्टकट बूआ असि हूँ बिस्मिल्ला मार के एडे चैन हो गया मंडी दे नाल ए मार्केट है, बिस्मिल्ला मार्केट इसन आता है, इतने हमाम भी हैं, इतने दर्दी भी हैं, कपड़े वाली दुकाना भी हैं, शॉपा इतने सारी हैं, मतलब इतों हर शैला भी जाती मार्केट है वड्डी सारी। मेरे ख्याल दे जो बाजार है मैं बड़े वादा इस बाजार के दफ्तर नहीं है ये इस अगले बाजार के मेरे ख्याल ये बोर्ड लगा खलोता है, ये है यूनियन वाले का दफ्तर
नजीब भाई हैं? नजीब भाई बैठे अंदर है? काम है, मिलना है, मिलना है। जी भाई आपने जल्दी जल्दी मुझे बुलाया, खैरियत थी? आखिरत था जो रात को मैंने ग्रुप में वॉइस किया था कि सुबह आखिर कर 10 बजे पे हमारे दफ्तर पे ख़त्म है। अच्छा। तो आप मौजूद नहीं हुए, इसीलिए दोस्त आया था। मैं तो परेशान हो गया, पता नहीं नजीब भाई क्यों फोन किया जल्दी जल्दी। हमने बोला आप आया जंग से तो लाजमी वॉइस सुना नहीं आया था, कमजोरी दिखे वैसे तो शायद। बलूचिस्तान से हमारे यूनियन के मेम्बर आया था, चेयरमैन बाबू रसानी साहब आया था। अच्छा। उनके साथ और चले गया, वो चले गया अभी। अच्छा। इधर ही तो है अभी, खुदा हाफिज लिया वापस है। फिलहाल लेना एक बिरयानी मंगाई, पता नहीं मेरे ख्याल है दस्ते बैंड भी खैरात आज तो इस वास्ते मैं बिरयानी पकाई है। ये पहले खा ली, ये खा के तो उस तो बाद दंद नाल गप शप कर दें। ठीक है। मंजूर भाई दी यूट्यूब चैनल अखबल जान दी खैरात की हुई है, इन्होंने मैं सद्या, इन्हों की मेहरबानी, इन्होंने मोहब्बत है। नजीब भाई को थोड़ा जहा यूनियन के बारे पूछ लिया भी, इन्होंने यूनियन का की मकसद है? कि ये जो आपकी यूनियन है आल पाकिस्तान वर्कर यूनियन, ये कब से है? असल में ये यूनियन हम लोगों ने जब बनाया 2020 में बनाया। अच्छा। यहाँ पर पहले हमारे ड्राइवर भाई, ट्रांसपोर्टर भाई, कंडक्टर, गाड़ी की मालिक बहुत परेशान था। अच्छा। हमारी गाड़ी बलूचिस्तान से निकलता था, सिंध के अंदर एंट्री होता था। हाँ। तो इनको कोई नहीं छोड़ता था, चोर भी सामने आता था, कोई और लोग भी हमारे ड्राइवरों को जलील करता था, परेशान था, इनका खैर ख्वाह नहीं था। हाँ। चाहे यार ऐसे होता था इसका कोई पीछे से एक आदमी नहीं था। हाँ। फिर हम लोगों ने इत्तेफाक को इत्तेहाद किया, अपना घर बनाया, अभी 4 साल पर हो गया अल्लाह के एहसान और फजल। ये 4 साल से यूनियन? जी जी। इसको कौन चला रहा है, सदर कौन है, क्या सिस्टम है? हमारे यहाँ सरपरस्त है अल्लाह अल पाकिस्तान ट्रक यूनियन की, हमने रमजान साहब है, हमारे बड़ा भाई है। सिंध की चेयरमैन में खुद हूँ, आल पाकिस्तान ट्रक यूनियन की चेयरमैन नजीब खिलजी, हमारी सदर अब्दुल वही लड़ी है, नायब सदर अब्दुल मालिक लंगरानी है, एक दफ्तर यहाँ पर है, एक आप चौकी में खुशदार में एक दफ्तर है, वहाँ पर जो है सदर मोहम्मद हसन साहब है, नायब सदर करीमुल्ला भाई है, कोयटे में दफ्तर है, वहाँ पर सरपरस्त अल्लाह हमद रमजान साहब। यूनियन की जिम्मेदारियाँ क्या है? यूनियन की जिम्मेदारी है गाड़ी रात को जब या दिन को कोई तकलीफ में होता है तो हम लोगों को फ़ोन करके ड्राइवर कि यहाँ पर हमारे साथ कोई अच्छा हो गया, या चोर ने लूटा है, या गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, या हमें किराया नहीं मिल रहा है। हाँ। तो इनके पीछे हम लोग जाता है, खैरख्वाही कर रहे हैं। अच्छा। जी हाँ, ड्राइवर की यार खिदमत के लिए हम खड़े हैं, खुदा ना खास्ता अगर ड्राइवर बीमार भी हो जाए हम लोग खड़े हैं ड्राइवर के साथ, हर टाइम ट्रांसपोर्टरों के साथ, हर टाइम पे हम साथ देंगे, इनके साथ हम खड़े हैं। तो हर महीने का हमारा एंट्री होता है कार्ड। अच्छा। ये कार्ड है, ये कार्ड है, सही, इस पे महीने का डेट लिखा हुआ है, साल का लिखा हुआ है, हर गाड़ी वाला महीने में अपना एंट्री दफ्तर पे करवा रहे हैं। तो हर सेट का मालूम है, 4 गाड़ी है, 5 गाड़ी है, 10 गाड़ी है, फिर सेट की जिम्मेदारी है। सही। ये कार्ड है, शुक्रिया नजीब भाई आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। भाई आप तो हमारे भाई हो, पहले बिल्कुल हमारे मेंबर हो, 2 साल हो गया हमारे और आपकी जी मुलाकात हुआ है,
इसी वजह से हमने आपके साथ जबान किया, आप हमारी मेंबर हो। जंग पे आपने बोला, जंग की तरफ जो खिदमत हो जाए, यहाँ पर जितने ट्रांसपोर्टर है, चाहे सिंधी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे पठान हो, चाहे बलोच हो, सब के लिए मैं सर आंखों पे खड़ा हूँ। दोस्तों वेला मुमाए में सारा दिन गड्डी साइड लोड नहीं हुई, चौन जट सारा घंटा डेढ़ इतने टाइम पास हो गया। भाई और मेहरबानी उन्होंने सद्या, हूँ मुड़ जाता पा गड्डी दे कोल, मुड़ शाम आवन वाली शाम वाले तो मुड़ आस मैं दी भी कोई माल शाल निकले या लोड करिए गड्डी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक हो? पंखा चलाया हुआ उधर हमारे इलाके में तो इतनी सर्दी है कि क्या बताऊँ आपको। तो भाई मौसम गर्म है, बिल्कुल गर्मी है। चलो एक गिलास दूध बना होगा, जो आपको आसान लगता है। पपीता नहीं है वो बना। दोस्तों वेख सो असी उदे पाले तो कलकते वे हैं, तो भाई और इतने पक्खा चला रहे, पक्खा चले हुए साढ़े को साढ़े तो इतने हूँ सुबह दिन मतलब त्रै चार टाइम तो इतने पक्खे तो भाई और बैठे पक्खा चले हुआ। जूस वाले के नाल एक होर दुकान है, तुम दिखा दुकान कि शायद ये तुम आप वेख जा सो इतना सवार की दुकान है। अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक ठाक जनाब? ठीक ठाक हो? क्या बना रहे हैं आप? ये नसवार बना रहे हैं। नसवार? हाँ नसवार। अच्छा चीज है ये? बस सही है, लोग पसंद करते हैं। लोग पसंद करते हैं। क्या नाम है आपके नसवार का? फजल नसवार पड़ोस जी। फजल नसवार पड़ोस? बदर नसवार? फजल नसवार पड़ोस। अच्छा फजल, फजल नसवार पड़ोस। इस भाई जूस वाले को जिस वे आवा ना इत पिंदो ना पपीते का जूस, क्यों केले सेब का गाजर का तो उदू पंजाब ही लग जाता है। ये पपीता थोड़ा जहा उ जाके महंगा हो जाता ना पंजाब, इतने आम लग जाता पपीता, सिंध में आम लग जाता है। मुड़ मैं पपीते वाला जूस शौक ना पीता। दोस्तों गड्डिया तो राती कल भी साया आ, अज मुड़ ढेर सारिया गड्डिया खलोती हैं। इतने भी पब्बी बाडी ज्यादा ना गए, भाई दोपहर पैदा भी पब्बी बाडी यार मूँ गड्डिया कट्ठी हुई खलोती हैं। तो फैसलाबादी बाडी जने असा पेटी वाला माल जड़ा वो ये कोशिश कर फैसलाबादी बाडी लोड कराई, पब्बी वाली बाडी थोड़ा जहा फ्रश होता होंगे ना विंगा जहा, तो अज मुड़ गड्डिया ढेर सारिया और शाम वे और ही कट्ठिया उस दिन, लेकिन बड़े सैंपल ज्यादा हैं, छोटी गड्डिया घट हैं। छोटी गड्डी सिर्फ मेरे ख्याल एक अपनी खलोती है या एक अद्धी और उसकी 16 टन निकले तो लाल में। हाँ भाई ये दह व्हीलर गड्डी है, दह व्हीलर गड्डी है, हैं? वाह भाई वाह, गड्डी अपनी जिते खलोती है ना उत्थे तो यार दौड़ बड़ी पाती है। यह गड्डी निकलती पी है, ये जी स्टार्ट हुई खलोती ये निकलती है ना, इतने आप गड्डी ला लें ला भी ये निकलती पी, इतने गड्डी ला लें, इतने मुड़ थोड़ी महफूज है, इतना होटल भी है तो ये अड्डा भी है इतना ही। थोड़ी इधर आ दिहाड़ी अज की भी लै गई इन्हें वेल्या और अंबर शाम हूँ खलोती है। इंशाल्लाह उम्मीद करें ना अल्लाह कर सी रात में गड्डी लोड हो जाए, क्योंकि गड्डी लोड ना हो ना पी आर रुक जाए एक ट्रक ड्राइवर का बेजारी बड़ी बन जाती है। इंतजार तो पता है इंतजार का एक एक लम्बा एक एक जट जो होंगे ना इंतजार का वो होंगे औखा, जट जो होंगे ना इंतजार का वो होंगे औखा। अल्लाह कर सी लोड हो जाए गड्डी निकल दसा हम इजाजत दसो रही जिंदगी तक कल वाली वीडियो मुड़ा जरूर सा कल इंशाला गड्डी दी लोडिंग राह दी वीडियो केड़े रूट से जाना सारिया चीज़ा थोड़े नाल शेयर कर सकते।
उन्हें इजाजत दसो, अपना ख्याल रखो, दुआवां दे विच याद रखिया, अल्लाह हाफिज़।